आइए मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं जो बहुत दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जहां पर आई साइलेंट होता है और वो है बिजनेस। यानी वर्ड बिजनेस को छोड़कर और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जहां पर आई साइलेंट हो। लेटर क्यू, वी और वाई कभी भी साइलेंट नहीं होते। यानी कोई ऐसा वर्ड नहीं जहां लेटर क्यू, वी और वाई साइलेंट हो। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं वर्ड फो में उतने ही लेटर्स हैं जितना कि उसके काउंटिंग में। अगर हम वर्ड फो को छोड़कर किसी और वर्ड के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं वन की बात करूं तो इसमें 3 लेटर्स आए हुए हैं जबकि काउंटिंग में होता है 1। अगर मैं 2 की बात करूं तो यहां 3 लेटर्स आया हुआ है जबकि काउंटिंग में होता है सिर्फ 2। अगर मैं 10 की बात करूं तो इसमें 3 लेटर्स आए हुए हैं जबकि काउंटिंग में होता है 10। अगर मैं 7 की बात करूं तो इसमें 6 लेटर्स आए हुए हैं जबकि इसकी काउंटिंग होती है 7। तो फ्रेंड्स, सिर्फ फो एक ऐसा वर्ड है जिसमें काउंटिंग और लेटर्स बराबर होते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं सिर्फ क्यू एक ऐसा वर्ड है जहां पर बैक टू बैक 4 वाउल्स आते हैं। यानी एक के बाद एक लगातार 4 वाउल आते हैं यानी स्वर आते हैं। और कमाल की बात यह है, अगर इस वर्ड का लास्ट 4 लेटर मिटा दी जाए तो इसको पढ़ेंगे क्यू और अगर इसको लिखें तो पढ़ेंगे क्यू। यानी 4 लेटर रिमूव करने के बाद इसका साउंड क्यू और वो 4 लेटर्स लिखने के बाद भी इसका साउंड क्यू। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंग्लिश के 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसे आप अगर उल्टा लिखें तो भी ये सीधा रहेंगे। यानी अगर हम बात इस वर्ड की करें तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ एम तो हम लिखेंगे एम, उसके पहले है ए आप लिखेंगे ए, उसके पहले है डी, उसके पहले है ए और उसके पहले है एम। तो हमने इसे पीछे से लिखा फिर भी ये करेक्ट है। अगर हम किसी और वर्ड की बात करें, जैसे अगर हम लिखें बुक और अगर हम इसे पीछे से लिखें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे लास्ट में है के, उसके बाद है डबल ओ, उसके बाद है बी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा जब मैंने उसको उल्टा लिखा तो ये बुक नहीं रहा। लेकिन ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसे अगर आप पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो भी वो करेक्ट होंगे, वो रॉन्ग नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं टेम्पल, मॉस्क्यू और चर्च, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें लिखने में सिर्फ 6 लेटर्स का यूज किया जाता है। जैसे आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें लिखने में सिर्फ 6 लेटर्स का यूज किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि 3 ऐसे पवित्र किताब हैं जिनको लिखने में सिर्फ 5 लेटर्स का ही यूज किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं वर्ड एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वाउल्स आते हैं यानी 5 स्वर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ई, यू, ए, आई, ओ। तो ये एक ऐसा वर्ड है जहां पर 5 स्वर आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे भी कमाल की बात ये है कि फेसेस एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 स्वर तो आते हैं बट ऑर्डर में आते हैं यानी क्रमवार आते हैं। जैसे अगर आप इसे गौर करें तो पाएंगे कि सबसे पहले आया ई, उसके बाद यू, उसके बाद ए, जबकि जो वाउल होते हैं अगर उनको ऑर्डर में लिखा जाए तो ऐसे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो यही बात आपको इस वर्ड में मिल जाएगा। जैसे आपका सबसे पहला स्वर होता है ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ और उसके बाद यू। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर 5 वाउल्स आते हैं। लेकिन यहाँ कमाल की बात यह है कि इसमें जो आपका स्वर आता है वह ऑर्डर में होता है या वह क्रमवार होता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ऑलमोस्ट एक ऐसा बड़ा वर्ड है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जैसे अगर हम बात किसी और वर्ड की करें, जैसे स्पीकिंग, तो यह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी लेटर्स एस के पहले आते हैं। लेकिन अगर हम बात ऑलमोस्ट की करें तो ये एक ऐसा बड़ा वर्ड है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। यानी सबसे पहले आता है ए और उसके आगे आता है एल,
उसके बाद एम, उसके बाद ओ, उसके बाद एस और उसके बाद टी, यानी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जो एम्प्टी पर खत्म होती है और वो है ड्रीम्ड, यानी ड्रीम का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है ख्वाब देखना या स्वप्न देखना। तो फ्रेंड्स, सिर्फ यही एक ऐसा वर्ड है जो एम्प्टी पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में सिर्फ दो ऐसा वर्ड है जो गिरी पर खत्म होती है और वो है हंग्री और एंग्री। सिर्फ दो ऐसे वर्ड्स हैं जो गिरी पर खत्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह बात आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।